नमस्कार आदाब सत श्री अकाल गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों आ गया है आपका होस्ट एंड दोस्त अंकित अवस्थी लेकर के ताजा तरीन सवाल जो कि बने हैं कल रात तक की सुर्खियों से स्वागत है मेरे सभी मित्रों का जो मेरे साथ में इस समय लाइव जुड़ चुके हैं अपने सभी मित्रों को लाइव आने का इनविटेशन भेज चुके हैं पेन पेपर हाथ में है इंडिया और वर्ल्ड का मैप साथ में है स्वागत है मेरे सभी मित्रों का 6 अप्रैल 2021 दैनिक समसामे की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए फिर चाहे आप यूपीएससी एसएससी, बैंकिंग रेलवे जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो यदि वहां पर करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके पूछा जाता है तो आपका स्वागत है आइए साथियों सेशन की शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों से पहली सुर्खी बनी है हाल ही में चीन के वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि एक जीव है जो कि व्हाइट ये जो आपको दिख रहा है व्हाइट फ्लाई इसमें पौधे से जीन ट्रांसफर हो गया है जी हां आपको पता चलेगा आज एक बहुत ही रोचक तरीका जिसमें आप जानेंगे कि कैसे एक प्लांट से पौधे से एक जीन निकल करके एक वाइट फ्लाई नामक जो कीड़ा है इंसेक्ट है इसमें ट्रांसफर हो गया बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर है जानकारी आपको पता चलेगी आज के इस सेशन में इसके साथ साथ ही साथियों दूसरी खबर बनी है जो हम आपके सामने लेकर आए हैं राजस्थान राज्य भारत का वो पहला राज्य बन गया है जहां पर राजस्थान के हर निवासी के लिए राज्य सरकार के द्वारा मुफ्त बीमा उपलब्ध करवाया जा रहा है मुफ्त ना कहते हुए इसके अंदर कुछ व्याख्याएं हैं लेकिन हां मैं यह कह सकता हूं कि यह राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया है जहां के हर परिवार को अब स्वास्थ्य बीमा सरकारी उपलब्ध होगा जानकारी लेंगे आज बहुत ही ऐतिहासिक कार्य है राज्य सरकार के द्वारा चर्चा की जाएगी आपके सामने इसके साथ साथ ही केंद्र सरकार ने हाल ही में बी आर अंबेडकर जी के जो जन्मदिवस है चार अप्रैल को राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने का निर्णय लिया है पब्लिक हॉलिडे डिसाइड करने का निर्णय लिया है चर्चा करेंगे कि क्या होगा पब्लिक हॉलिडे के अंदर पब्लिक हॉलिडे और नेशनल हॉलिडे में क्या डिफरेंस है वो भी हम आपको बताएंगे सार्वजनिक अवकाश से घोषित किया गया है यानी कि ये पब्लिक हॉलिडे है नेशनल हॉलिडे नहीं है दोनों के अंतर भी हम आपको सिखाएंगे पश्चिमी मध्य रेलवे जोन पहला पूरी तरह से विद्युतीकृत रेलवे जोन बन गया है इंडिया रेलवे इलेक्ट्रीफाइड रेलवे जोन बन गया है आज के सेशन में इसके बारे में चर्चा की जाएगी हाल ही में साथियों आईसीसी के अंदर एक ऐसी घटना नोटिस में आई है जहां पर पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के जोह में चल रहे ओडीआई में फेक फील्डिंग नियम खबरों में रहे फेक फील्डिंग के क्या है मायने क्या क्या होती है फेक फील्डिंग इसकी वजह से क्या किसी पर बैन लगाया जा सकता है तमाम बातों की चर्चा आज के सेशन में आपसे की जाएगी इसी प्रकार से एसीआई वर्ल्ड वाइड द्वारा जारी की गई रिपोर्ट में पता चला है कि डिजिटल लेन देन में यानी डिजिटल ट्रांजेक्शन में इंडिया जो है वो नंबर वन पर रहा है इसके साथ साथ ही साथियों विश्व बैंक ने मिजोरम राज्य सरकार की स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए 32 मिलियन डॉलर की सहायता की मंजूरी दी है साथ में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन को कलिंग रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है यह बहुत ही महत्वपूर्ण पुरस्कार है अवश्य आप इसे याद रखिएगा और हाल ही में महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख जिनके ऊपर वहां के पूर्व डीजीपी के द्वारा सौ करोड़ रुपए की उगाई का आरोप लगाया गया था हाईकोर्ट के द्वारा सीबीआई जांच करने के आदेश देने के तुरंत बाद ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया है चर्चा करेंगे बहुत ही सारी बातें इसमें आपको जानने के लिए हैं। इसके साथ साथ ही पुरुष मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप दो का आयोजन उज्बेकिस्तान में किया जाएगा यह बात आप लोगों के लिए तो खबरों के साथ साथ महत्वपूर्ण तो हमारे यूट्यूब चैनल यूपीएससी पर कराया जाएगा वहां पर आपको हम बताएंगे कि सऊदी अरब ने भारत समेत जो एशिया के देश हैं उनके लिए तेल की सप्लाई की कीमतें क्यों बढ़ा दी हैं आज के सेशन में आप इस बारे में भी जानेंगे क्या हुआ ऐसा जिसके चक्कर में महंगाई तेल की बढ़ा दी गई है आज के सेशन में आप लोग जानेंगे मेरे प्यारे साथियों आप सभी के लिए एस कैटेगरी के, के अंदर मेरे द्वारा एक बैच लिया जा रहा है जिसमें मैं अपने सभी साथियों के लिए स्टैटिक जीके का फाउंडेशन तैयार करवा रहा हूं वर्ल्ड ज्योग्राफी इंडियन ज्योग्राफी वर्ल्ड ज्योग्राफी कंप्लीट हो चुकी है इंडियन ज्योग्राफी लगभग आधी हो चुकी है इसके तुरंत बाद इंडियन पॉलिटी शुरू होगी आप जहां से भी ज्वाइन करेंगे आगे वाली तो क्लासेस मिल ही जाएंगी पिछली क्लासेस भी आपको यहीं पर प्राप्त हो जाएंगी तो सेशन अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो अन कैटेगरी के अंदर रेफरल कोड यूज करके आप मेरे बैच को ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें हिस्ट्री जोग्राफी पॉलिटी इकोनॉमी मैं पढ़ा रहा हूं और इसके साथ साथ हर वीकेंड पर इस बार भी मेरे प्यारे साथियों एक कॉम्बैट होगा अन अकेडमी की वेबसाइट पर दोनों कैटेगरी यूपीएससी और एसएससी के अंदर चलिए साथियों सेशन को शेयर कर दीजिए और आज का मोटिवेशन प्राप्त कर लीजिए मोटिवेशन है मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है पंखों से खुश नहीं होता हौसलों से उड़ान होती है, मेरे प्यारे ये जो बात है असल में पंखों से कुछ नहीं होता ये प्रैक्टिकलिटी है या नहीं ये तो पता नहीं लेकिन हाँ इतना जरूर पता है हमने अपने व्यवहारिक जीवन में ऐसे बहुत सारे एक्रोबैट्स को देखा है एक्रोबैट्स यानी कि वो करतब दिखाने वालों को देखा है जो कुछ ऐसा ऐसा है जो असामान्य कर जाते हैं जो कि देख करके दांतों तले उंगली दबाने के लिए मजबूर कर देता है बहुत बार आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसी खतरनाक ड्राइव कर लेते हैं या फिर बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य कर लेते हैं रस्सी पर चलते हुए आपने कई बार रोड के किनारे खड़े हुए लोग देखे होंगे जो रस्सी पर चल रहे होते हैं कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि जब सर्कस में आप जाते हैं तो मौत के कुएं में बाइक चला लेते हैं असल में ये सारा गेम हौसलों का है मैं आपसे यह तो नहीं कहता कि आप करतब दिखाएं लेकिन हां इतना जरूर कह सकता हूं कि जब डर लगने लगे तो समझ जाइए आप सही रास्ते पर जा रहे हैं क्योंकि पढ़ाई करते समय डर का लगना आपकी चुनौती को दिखाता है दिखाता है आप कितने संजीदा होकर के पढ़ाई करना चाह रहे हैं तय मानिए साथियों जब भी आपको पढ़ाई करते समय डर लगने लगे ना कि यह भी नहीं आता यह भी नहीं आता इसका मतलब अब आप पढ़ाई वाली मुद्रा में आ चुके हैं आपको पता है कि क्या पढ़ना है डर लगना जो है ना वो कहते हैं डरना जरूरी है पढ़ाई करते समय और मान के चलिए जो उस डर को मैनेज कर ले गया वही हौसला है और वो डर के साथ जब परीक्षा देने चला गया तो वही जीत सुनिश्चित करके लाएगा तो चलिए इसी के साथ सेशन की शेयर शुरुआत करते हैं सेशन शेयर कर दीजिए अपने साथियों के साथ में मैं भी सेशन शेयर कर रहा हूं अपने टेलीग्राम चैनल अंकित अवस्थी सर पर आप भी सेशन शेयर कर दीजिए जहां जहां आप जुड़े हुए हैं उन सभी प्लेटफॉर्म्स पर आइए साथियों सेशन की शुरुआत करते हैं और बहुत कुछ जानने का शुभारंभ करते हैं जहां जहां भी आप जुड़े हुए हैं वहां पर सेशन हैंग तो नहीं हो रहा है एक मिनट हां मेरे साथी जितने भी उपस्थित हैं यहां पर मैं उनके नाम देख पा रहा हूं जतिन आलोक अदिति यश कुसन सरोज अरुण आलोक मधु प्रकाश अदिति संजय उज्जवल नरगिश अनिकेत अंजलि सभी साथियों को गुड मॉर्निंग ठीक है बेटा चलिए जल्दी से सेशन शेयर कर दीजिए अभी हमारा टेलीग्राम ही ऑन नहीं हो रहा है चलिए आइए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है पहला ही सवाल साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है आप सबके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है क्योंकि इस सवाल का महत्व यह है कि आपको इस सवाल से यह पता चलेगा कि प्राकृतिक रूप से परिवर्तन आफ्टर ऑल होते कैसे हैं आज का सेशन अत्यंत महत्वपूर्ण है और आप लोग यहां पर जेनेटिक इंजीनियरिंग की कुछ बातें जानने वाले हैं मैं आपको बताऊं साथियों क्या बातें जानने वाले हैं एक मिनट में बस मैं इसको क्लिप को इधर पेस्ट कर दूं आप भी पेस्ट कर दीजिए भाई हो जाए यार हो जा भाई हो गया चलो भाई आपको भी थोड़ी बहुत मुसीबतें आ रही होंगी सेशन शेयर करने में कर दीजिएगा साथियों क्या हुआ है बहुत ही अल्टीमेट न्यूज सिखाने वाला हूं और बहुत-बहुत कुछ पता चलने वाला है साथियों चीन में क्या हुआ एक पक, एक जीव होता है आप में से बहुत सारे लोग जिन्होंने पौधों को नोटिस किया हो देखना आप तो एक ना पौधों के पत्तियों के नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ एक जाला सा बना होता है व्हाइट कलर का अगर आपने कभी देखा हो पत्तियां होती है ना उन पत्तियों के नीचे व्हाइट कलर का एक जाला सा लगा होता है जाल सा समझ रहे जैसे अपने घर के में लग जाते हैं ना वो मकड़ी वाले जाले ऐसे जाला लगा होता है उस जाले के अगर आप हटा के देखोगे तो उसमें एक वाइट कलर का जैसे अपनी छोटी वाली तितलियां नहीं होती हैं ऐसे एक छोटी सी तितली बैठी होती है जबकि वो तितली होती नहीं है तो वो क्या होता है उसे हिंदी में तो पता नहीं क्या कहते हैं इंग्लिश में उसे व्हाइट फ्लाई कहते हैं क्या कहते हैं व्हाइट फ्लाई कहां बैठी होती है पत्ती को कभी नोटिस किया हो पता नहीं आपने कितना किया है साथियों आप जान के हैरान रह जाएंगे ये जो व्हाइट फ्लाई है ना ये व्हाइट फ्लाई आज से नहीं कम से कम 400 साल पहले से है अभी तक जितनी भी दवाइयां बना ली गई भाई साहब इस व्हाइट फ्लाई के ऊपर कोई नुकसान नहीं कर पाई अब आप जानना चाहेंगे बोले ऐसा कैसे हो सकता है आप और ध्यान से सुनना दुनिया में जितने भी प्रकार के पेस्ट उपस्थित है पेस्ट का मतलब जितना जितने भी ऐसे जीव जो कि पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं उन जो जीवों में मेरे प्यारे साथियों सबसे गंदा जीव माना जाता है व्हाइट फ्लाई को व्हाइट फ्लाई जो है यदि किसी पौधे को लग गई तो इसका मतलब यह है कि पौधे की उत्पादकता को तो कम कर ही देगी सफेद उड़ान कहते हैं कुछ बच्चे कह रहे हैं सफेद उड़ान कहते हैं हाँ जैसा रेशम होता है बिल्कुल एक विद्यार्थी ने प्रभात बिल्कुल सही कह रहे हो जैसे रेशम होता है ना वैसा दिखाई देता है वो हाँ बहुत बढ़िया शुभम जो है वो नेहा को गुड मॉर्निंग करने आए हैं शुभम मैं भी तुमको गुड मॉर्निंग कर दे रहा हूं बेटा गुड मॉर्निंग आम के पत्तों में देखिए ने बहुत सही अब पहचान गए हाँ कुछ लोग कह रहे हैं कुमघा बोलते हैं हमारे यहाँ है ना मिक्की बोल रहे हैं कि सर मैं एग्रीकल्चर में ही हूं बिल्कुल तो आप सब लोग पहचान गए बहुत ही अच्छी बात है अच्छा अब क्या है पता है आप लोगों को वो जो व्हाइट फ्लाई है ना उसको जितने भी ये हाँ कुमधा मौनी भारती ठीक है बेटा तो हमारे यहां पर कुछ भी बोलते हो मैं उसको व्हाइट फ्लाई बोल दे रहा हूं ताकि सब लोग समझे साथियों उस वाइट फ्लाई के अंदर क्या पाया गया कि तो लगेगी। और कपास जैसे को तो पूरा चट कर जाती है वो है ना अच्छा तो चीन के वैज्ञानिकों ने ये खोजने का प्रयास किया कि यार ऐसा क्या है कि ये मरती नहीं है तो पता चला साथियों कि उस व्हाइट फ्लाई ने पौधों में जो चीज उस व्हाइट फ्लाई को मारने का काम कर सकती थी वो चीज खुद में डेवलप कर ली थोड़ा सा भारी है ये बात सीखना लेकिन फिर भी मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं ध्यान से सुनिएगा क्या कह रहा हूं व्हाइट फ्लाई से बचने के लिए कुछ पौधों ने अपने अंदर कुछ ऐसे विकास किए थे जिसके चलते वाइट फ्लाई पौधों को जैसे ही खाने के लिए बैठती थी उनसे मर जाती थी व्हाइट फ्लाई ने इतना ज्यादा अपने अंदर अडोप्शन कर लिया कि वो उन पत्तों में उपस्थित उस जहर से भी अब मर नहीं रही वैज्ञानिकों ने जांच करी तो पता चला कि जो जहर बनाने वाला जीन था ना पौधे के अंदर वो जीन अब पौधे से निकल करके व्हाइट फ्लाई में आ गया कहा आ गया व्हाइट फ्लाई में आ गया और कहते हैं कि ये साइंस का चमत्कार है क्या चमत्कार है कि जिससे आपको दुश्मनी थी भाई वो पौधा जो था जिसको खाकर के कभी वाइट फ्लाई मर सकती थी अब वही वाला जीन वाइट फ्लाई ने अपने शरीर में ले लिया ताकि वो खुद उसके खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता बना ली मरना नहीं है ऐसी स्थिति में वैज्ञानिकों को लगा कि ये तो भाई साहब बवाल हो गया है और इसे कहा जाता है साथियों हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर ऑफ जीन्स क्या कहा जाता है हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर ऑफ जीन अर्थात किसी पौधे के जीन एक परिवार के पौधे के जीन किसी दूसरे परिवार के जीव में आ गए इसे क्या कहा जाता है हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर है गजब बात आइए अब तथ्यों के साथ इन बातों की जानकारी हासिल करते हैं साथियों जहां मैं बात कर रहा हूं यह है वो व्हाइट फ्लाई साथियों ये दुनिया का पहला याद कर लेना देखिए बहुत ही मुश्किल से ऐसे सवाल मिलते हैं जिनमें कुछ रोचक जानकारियां हो जो कि एकदम आपको झकझोर के रख दें पूरा प्रयास रहता है और मैं तो प्रयास करके पहले नंबर पर और ले आया हूं इस सवाल को साथियों फर्स्ट हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर बिटवीन प्लांट एंड इंसेक्ट नोटिस किया गया है कहां पर चाइना के अंदर बोलिए है जबरदस्त बात बातें अगर समझ में आ गई हो तो बताइएगा साथियों हैं एक पत्ती से भाई साहब इसने अपने अंदर जीन ट्रांसफर कर लिए कि भाई ये पत्ती खा के नहीं मरना है नियम बना लिया इसको खा के नहीं मरना है अपने अंदर रेजिस्टेंस ले साहब ये चलिए साथियों तो अब इधर देखिए आपको बताते हैं जीन होता क्या है इसके साथ साथ हम आपको यह भी बताएंगे कि कैसे ये जीन को एक दूसरे के बीच में ट्रांसफर किए अच्छा मजेदार बात मैं आप लोगों को बताऊं साथियों कि यहां पर वैज्ञानिकों ने क्या पाया ये जो व्हाइट फ्लाई है ना ये प्रॉपर तरीके से देखिए मैं इसको इस डायग्राम को यहां पर दिखाने का कोशिश कर रहा हूं शायद आप देख पाए साथियों इसका नाम है बीटी पी एम ए टी वन इस पूरे की पूरे जीन का नाम मैं बता देता हूं और जो विद्यार्थी एकदम बोले सर ये क्या बता दिया आपने हमको हमारे ये सब सिलेबस का हिस्सा नहीं है इतना टफ थोड़ी पढ़ा जाएगा हमें भाई साहब टफ और सब आसान तो छोड़िए कम से कम इसलिए पढ़ लीजिए कि कुछ नया सीखेंगे जीन ट्रांसफर ये सब चीजें इतनी कॉमन है एक एक चीज बताऊंगा चिंता मत करिए फिलहाल के लिए इस जीन का नाम याद कर लीजिए ये आपको दिख रहा है ये प्लांट की पत्ती है ये कीट दिखाया गया है इस कीट ने क्या किया कि इस प्लांट की पत्तियों को जब जब खाया तो इसके जो जीन थे वो खुद के अंदर डाल लिए और ऐसे डाले कि इनका डीएनए स्ट्रक्चर ही बदल गया है गजब चीज इस डायग्राम से समझने की कोशिश करिए और यही है एच जी टी एच का मतलब हुआ हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर आइए अब इसके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं हुआ क्या था आइए समझने का प्रयास करिए साथियों जैसा कि आप सभी जानते हैं एक कोशिका के अंदर क्या क्या होता है देखो भाई हमें एक कोशिका पता होती है सेल पता होती है सेल के मध्य में यह वाली जगह जो है वो क्या होती है केंद्रक होती है मानते हो अच्छा ये जो आपको दिख रही है ये क्या है ये सेल मेम्ब्रेन भी हो सकती है और ये सेल वॉल भी हो सकती है और ये सेल वॉल भी हो सकती है बोले सर इन दोनों में क्या अंतर है अभी बताते हैं चिंता क्यों कर रहे हो यदि ये प्लांट सेल है यदि ये प्लांट सेल है तो इसकी आउटर मोस्ट सरफेस क्या होगी बेटा सेल वॉल होगी कोशिका भित्ति होगी और यदि प्लांट नहीं एनिमल सेल है तो इसके पास प्लांट सेल के पास वो एनिमल सेल अगर हुई तो क्या नहीं होगी इसके पास में सेल वॉल नहीं होगी केवल सेल मेम्ब्रेन होगी यानी कि प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल भी होती है सेल मेम्ब्रेन भी होती है एनिमल सेल के अंदर केवल सेल मेम्ब्रेन होती है सेल वॉल किससे बनी होती है तो सेल्यूलोज और पैक्टेन आप लोगों को पता होता है चलिए आगे चलते हैं साथियों अब क्या हुआ साथियों अब क्या हुआ कि ये जो सेल है ना इसके भीतर की तरफ यहां पर कुछ माल मसाला अभी भरा हुआ है हमें इससे कोई लेना देना नहीं है इसके मध्य में केंद्रक है केंद्रक जो होता है ना साथियों उस केंद्रक के मध्य में केंद्रिका उपस्थित होती है केंद्रक का मुख्य कार्य क्या होता है अपने पास गुणसूत्रों को रखना इसका मुख्य कार्य होता है साथियों जरा देखिए यहां पर इस चीज को दिखाने का प्रयास किया गया है मैंने मान लीजिए एक बार इंसान की हम बात कर लें 46 हम गुणसूत्र पढ़ते हैं तेईस जोड़ी गुणसूत्र पढ़ते हैं गुणसूत्रों को हमने ऐसे दिखा रखा है क्लियर बेटा गुणसूत्र जो, जो जोड़ी में हम बताते हैं ना इतने जोड़ी गुणसूत्र तेईस जोड़ी गुणसूत्र छियालीस जोड़ी गुणसूत्र एक गुणसूत्र मैंने बाहर निकाल लिया क्रोमोसोम बाहर निकाल लिया साथियों ये जो क्रोमोसोम है जब इसे जूम करके देखते हो तो पता चलता है कि यह क्रोमोसोम बना हुआ है डीएनए से कैसे बना हुआ है डीएनए से अब यह डीएनए क्या होता है डी न्यूक्लिक एसिड से बना हुआ है फिर से समझना बेटा सबसे पहले क्या है कोशिका है कोशिका के मध्य में क्या है केंद्रक है केंद्रक के मध्य में क्या है क्रोमोसोम है क्रोमोसोम किससे बना है डीएनए से बना है क्लियर है यहां तक की बातें डीएनए कैसा होता है डबल हेलिकल संरचना होती है दिखाई दे रही है अब हम उस डीएनए को भी छोटे भाग में तोड़ लें तो बन करके आता है जीन तो बोलिए क्या आपको जीन शब्द की व्याख्या समझ में आई कि क्या हुआ जीन एक प्रकार से इस, चीज को देखते हैं एक बार बेटा इतना बड़ा क्रोमोसोम उसको बहुत जूम करके देखा तो पता चला अरे वो तो डीएनए से मिलके बनाए डीएनए का एक हिस्सा हमने निकाला तो पता चला जीन है अर्थात एक क्रोमोसोम किससे मिलकर के बना हुआ है असंख्य जीन से मिलकर के बना हुआ है और साथियों ये जो जीन है ना यही वो चीज होती है जो किसी भी जीव के लक्षणों को निर्धारित करती है यदि मैं आपसे कहूं कि हम लोग काले दिखते हैं पीले दिखते हैं आंखें नाल होती हैं नीली होती हैं, ऐश्वर्या होते हो नहीं होते हो ये सारी चीजें कौन निर्धारित करता है जीन निर्धारित करता है अर्थात जीन की वजह से हमारा दिखाई पड़ना अब यह शब्द थोड़ा सा समझना हम कैसे दिखाई देते हैं ये किस बात पर निर्भर करता है जीन पर निर्भर करता है और साथियों जब जीन की बात आ जाती है तो इस बात को थोड़ा सा और समझना अगर हम एक डायग्राम लाने का कोशिश तो किए थे पर गायब हो गया वो कोई बात नहीं चलिए हम समझा देते हैं हमारे किसी जीन की वजह से हम कैसे दिखेंगे ये तो कहलाता है जीनोटाइप कि आप क्या जीनोटाइप रखते हैं यह मैंने पहले भी समझाया है और आप में कौन से लक्षण निकल करके आए वो कहलाता है तो डीएनए तो का एक खंड है उसका लक्षण क्या है वो फिनोटाइप है अभी क्या हुआ जो हम व्हाइट फ्लाई बता रहे हैं ना इस व्हाइट फ्लाई के अंदर पौधे का एक जीन आ गया अब ध्यान से सुनिएगा पौधा एक प्लांट था साथियों और वो प्लांट क्या करता था प्लांट कोई सा भी प्लांट पकड़ लीजिए उस प्लांट के तो के मर गई फ्लाई को लगा कि ये तो मामला ठीक नहीं है तो उसने ये खोजा होगा अब मैं ये सोच रहा हूं कि व्हाइट फ्लाई उड़ते उड़ते उस पौधे से पूछी होगी कि भाई ऐसा क्या तुमने अपने अंदर पैदा कर लिया फिर पौधे ने कहा होगा मेरे पास ये जीन है बोले अच्छा तुम्हारे पास ये जीन है लाओ बेटा अब आज हम इस जीन को ही खाएंगे साथियों उसने वो जीन खा लिया और जीन खा करके उसने अपने अंदर जो ये चीज आप देख रहे थे क्या ये जो आप चीज देख रहे थे साथियों एक प्रकार का डीएनए खंड उसमें उस जीन की एंट्री करा ली और उस जीन की एंट्री करा के खुद के अंदर वही जहर पैदा कर लिया जिस जहर से मरने वाली वो खुद थी एक प्रकार का एंटीडोट बना लिया कि जहर जहर को मारेगा ले बेटा अब मैं जहर बना करके तैयार हूं और अब तू कितना भी जहरीला हो ले तेरे को खा करके मैं मरूंगी नहीं साथियों साइंस में यह चमत्कार पहली बार देखा गया है क्या चमत्कार है यह कि जीव ने अपने आप को बचाने के लिए साथियों व्हाइट फ्लाई ने अपने आप को बचाने के लिए पौधे के जीन को अपने अंदर ट्रांसफर कर लिया कहते हैं यदि कोई भी जीन का ट्रांसफर एक परिवार से दूसरे परिवार में हो जाए तो इसे हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर कहते हैं क्या कहते हैं बेटा ध्यान से सुनिएगा फिर से बता रहा हूं मैं आप लोगों को दो शब्द हैं जो आपको सीखने हैं कौन कौन से शब्द सीखने हैं एक शब्द है हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर और एक शब्द है वर्टिकल जीन ट्रांसफर क्या क्या है यह दोनों शब्द समझना हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर क्या है यदि एक परिवार एक फैमिली से एक फैमिली इधर है और दूसरी फैमिली इधर है यानी ये सेकंड फैमिली है और इन दोनों के बीच में क्या हुआ बच्चों इधर से इधर जीन ट्रांसफर हो गया इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर और हुआ क्या है अभी अभी हुआ यह है कि पौधे का जो जीन है वो किस में चला गया इंसेक्ट में चला गया क्लियर हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर अच्छा अब दूसरा होता है वर्टिकल जीन ट्रांसफर क्या होता है बेटा वर्टिकल जीन ट्रांसफर अब ये क्या होता है आइए मैं इसके बारे में भी थोड़ा सा आपको बता देता हूं फिर हम आगे बढ़ेंगे साथियों हमारे अंदर ना कहते हैं कि जो इंसान का जन्म है वो किस प्रकार से होता है अर्धसूत्री कोशिका विभाजन सुन रखा है ना हम लोगों ने कि भाई माता पिताओं के जो गुणसूत्र हैं 46 46 गुणसूत्रों में से आधे आधे गुणसूत्र आधे पिताजी के आधे माताजी के तेईस गुणसूत्र इधर से तेईस गुणसूत्र इधर से मिलकर के छियालीस का निर्माण हुआ और हम प्रकट हो गए यानी कि उनके गुणसूत्रों में माता के गुणसूत्र में लगे हुए आधे लक्षण पिताजी के गुणसूत्र में लगे हुए आधे लक्षण हमारे अंदर दिखाई पड़े क्लियर है इस प्रकार से यानी पीढ़ीगत वंशानुगत तरीके से जब ट्रांसफर होता है ये जेनेसिस है जेनेटिक्स है इसके अंदर आनुवानशिकी है और इस आनुवांशिकी में क्या होता है वंशानुगत तरीके से जीन ट्रांसफर होते हैं एक वंश से दूसरे वंश के अंदर क्लियर बेटा इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं वर्टिकल जीन ट्रांसफर यानी एक परिवार के अंदर ही जीन ट्रांसफर हो रहे होते हैं आप में से जो थोड़े बहुत साइंस के पुराने विद्यार्थी हैं उन लोगों से मैं आपसे एक सवाल करना चाहूं ध्यान से सुनिएगा सवाल यह है कि क्या यह घटना पहली बार हुई है आप कहेंगे जी हां फर्स्ट टाइम है आप ही ने पढ़ाई है साथियों पहली बार हुई है यह तो सही है लेकिन पहली बार अपने आप हुई है यह बात न्यू है तो पहली बार हुई है ये सवाल क्यों लगाया आपने मैंने कहा सुनो ध्यान से मेरे प्यारे साथियों क्या आपको मालूम है हम लोगों ने एक ऐसी कॉटन का विकास किया हुआ है जिसका नाम है बीटी कॉटन आपने सुना है उसका नाम आइए मैं आपको एक बात बताता हूं थोड़ा सा साइंटिफिक है आज का सेशन लेकिन कोशिश करिए कुछ नया सीखेंगे मेरे प्यारे साथियों हमने एक कॉटन का नाम सुना है जिसका नाम है बीटी कॉटन एक बहुत ही सवाल बेसिक सा बनना चाहिए और वो क्या है बेटा साथियों बीटी कॉटन क्या है तो इसको कहते हैं कि ये जीएम क्रॉप है कैसी फसल है ये जीएम क्रॉप है ये जीएम क्रॉप क्या होती है बेटा जेनेटिकली जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है कैसी क्रॉप है ये जेनेटिकली मॉडिफाइड क्या मॉडिफिकेशंस हुए हैं इसके अंदर आइए मैं आपको वो बताता हूं क्या आपको मालूम है साथियों ये कॉटन जो शब्द है ये तो पौधा है क्या है बेटा पौधा है और ये जो है ना बीटी ये बैसिलस थूरियन जेनेसिस नामक एक कीड़ा है क्या है बेसिलस थूरियन जेनेसिस बेसिलस बैसिलस थूरियन जेनेसिस थूरी एन जेनेसिस नामक एक कीड़ा है जिसको आप बीटी कहते हैं इसका बी इसका टी इस बीटी में यानी बेसिलस थोरियन जेनेसिस में से मेरे प्यारे साथियों एक जीन निकाल करके इस कॉटन के पौधे में डाला गया था लेकिन वो डाला किसने था वैज्ञानिकों ने डाला था जिससे जो कॉटन बनी वो बीटी कॉटन कहलाई और जो कॉटन बन करके आई उसकी विशेषता ये थी कि उसके ऊपर कोई भी व्हाइट फ्लाई अटैक नहीं कर पाती थी यानी कि एक ऐसा पौधा विकसित किया गया था जिसके ऊपर व्हाइट फ्लाई अटैक ना कर पाए उसे बीटी कॉटन कहते हैं यानी कि कपास का ऐसा पौधा था ये जो जीन के ट्रांसफर से बनाया गया था यानी कि थोरियन जेनेसिस के जीन को लेकर पौधे में डाला गया था तो फिर आप पूछेंगे क्या वो हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर नहीं था क्या बिल्कुल था यानी हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर जो था वो मेरे प्यारे साथियों वैज्ञानिकों ने किया था वैज्ञानिक कौन से वाले इंजीनियरिंग किए हुए वैज्ञानिक इसी कारण से मेरे प्यारे साथियों इस इंजीनियरिंग किए हुए वैज्ञानिकों के कारण इस पूरी घटना को क्या कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं क्या कहते हैं साथियों जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं तो इस सवाल को याद रखिएगा इंजीनियरिंग कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं तो सवाल को थोड़ा और गहराई से समझने का प्रयास करते हैं क्या है कहानी ध्यान से सुनने का प्रयास करिए साथियों कहानी कुछ यू है कि जब हम सवाल यूज करते हैं कि जीन अभियांत्रिकी क्या है जीन अभियांत्रिकी जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है तो ध्यान से समझना जीन अभियांत्रिकी है जीन के ट्रांसफर से जीन के ट्रांसफर से ट्रांसफर से नए जीव विकसित करना क्या विकसित करना नए जीव विकसित करना जेनेटिक इंजीनियरिंग कहलाता है नए जीन से मतलब जीन के ट्रांसफर से नए जीव विकसित किए ये क्या कहलाया जेनेटिक इंजीनियरिंग कहलाया और जो नए जीव बनकर के आते हैं जो नए जीव बनकर के आते हैं साथियों उन्हें हम जेनेटिकली मॉडिफाइड कहते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड कहते हैं अपन सुनते हैं ना कई बार मॉडिफाइड कार आ गई मॉडिफाइड बस आ गई कई बार सुनते हैं ना अपन लोग आप में से बहुत सारे बालक ऐसे भी होंगे जिन्होंने अपनी बाइकों को मॉडिफाई करा रखा होगा है ना तो कई आप में से ऐसे कलाकार होंगे मुझे ऐसा लगता है क्लियर तो मेरे प्यारे साथियों भाई आज आपको चैट हमको दिखाई नहीं पड़ रही है बहुत परेशान हो होंगे, साइलेंसर फोड़ करके फट फट आवाज करने वाला लगा रखा होगा मॉडिफाइड कहलाते हैं ना वो जो आपने गाड़ियों को मॉडिफाई करवा रखा है कई उन्होंने फोन तो खरीद रखा होगा रेडमी का लेकिन उसके पीछे कवर एप्पल का लगा रखा होगा वो मॉडिफिकेशन है ना वो आपने बाहरी तरीके से किया है लेकिन आंतरिक तरीके से अगर उसके अंदर संरचना ही बदल डाली आपने दैट इज जेनेटिकली मॉडिफिकेशन तो ये है जेनेटिकली मॉडिफिकेशन तो अब आप बताइए ईमानदारी से क्या हमारे मन में एक बेसिक सवाल नहीं बना क्या कि सर एक बात बताओ चाइना वालों ने जो काम किया वो पहली बार थोड़ी है मैंने कहा क्यों भाई पहली बार तो दिखाई पड़ तो रहा है हो तो गया बोले नहीं सर इससे पहले हो तो रखा था ऑलरेडी मैंने कहा बिल्कुल सही कह रहे हो इससे पहले हो तो रखा था साथियों लेकिन वो इंजीनियर्स ने किया था इस बार जो कार्य नोटिस किया गया है वो क्या है प्राकृतिक रूप से हुआ है क्या हुआ है साथियों प्राकृतिक रूप से जीन का ट्रांसफर हुआ है जिसे आपको पढ़ाया जा रहा है याद रख लोगे तो क्या नोटिस हुआ है प्राकृतिक रूप से कि इसने बिना किसी इंजीनियर की मदद से यानी इंजीनियर को ही क्या कर दिया बेरोजगार कर दिया बिना किसी इंजीनियर की मदद से मेरे प्यारे साथियों इसने अपने अंदर परिवर्तन कर लिए किसने परिवर्तन कर लिए ये जो आपके सामने व्हाइट फ्लाई दिखाई दे रहा है इसने इंजीनियरिंग की मदद ही नहीं ली और बिना इंजीनियरिंग की मदद लिए अपने अंदर सारे की सारे परिवर्तन कर लिए क्लियर हो गया साथियों चलिए इसके बाद में दूसरी बात की तरफ बढ़ते हैं और क्या है आइए चलते हैं साथियों एक्चुअली क्या है कि हमारे लैपटॉप मतलब टेक्नोलॉजी है ना एक साथ पांच जगह तो ध्यान लगाना पड़ता है लैपटॉप बंद चल गया उधर कमेंट बंद हो गया इधर मोबाइल ऑन करके अब चलाना पड़ रहा है एक साथ पांच चीजें और फिर पढ़ा भी रहा साथ साथ रहे हैं बड़े टैलेंटेड हम ठीक है साहब तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा चलिए आगे चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ उम्मीद है सभी साथियों को पहला ही प्रश्न साइंस से समझ में आया होगा और गजब तरीके से समझ में आ गया होगा क्या प्रक्रिया थी कैसे कुछ हुआ ये सारी बातें मैंने बता दी बस इतना सा मेरे कहने से याद कर लेना इसका नाम क्या है बी टी पी एम ए टी वन बस ठीक है बेटा चलो साहब आइए थोड़ा सा हम इस व्हाइट फ्लाई के बारे में और आपको जानकारी दे दें व्हाइट फ्लाई जो है साथियों यदि कोई को बहुत ज्यादा पढ़ना है तो एनिमलिया किंगडम की है फाइलम एंथ्रोपोडा है एंथ्रोपोडा अधिकांश जितने भी कीड़े कांटे होते हैं ना छोटे मोटे कीट पतंगे वो एंथ्रोपोडा से ही आते हैं साथियों इंसेक्ट क्लास से आते हैं ठीक है बेटा में खोजी गई थी अब तक 1550 इसकी जनजातियां हैं मतलब बहुत पुराना मामला है इसका, ठीक है बेटा, चलो आगे चलते हैं, ये हमने सारी की सारी सुन ली ये जीन ट्रांसफर फ्रॉम प्लांट टू इंसेक्ट हाल ही में आइडेंटिफाई हुआ है ये ये जो चीज आप देख रहे हो शायद आप इसकी वैल्यू ना पता लगा पाओ लेकिन आप में से अगर कोई साइंस का विद्यार्थी हो तो मेरे प्यारे साथियों कृपया करके इस चीज को नोटिस करिएगा साइंस वाले विद्यार्थी अक्सर इस चीज को नोटिस कर सकते हैं और वो क्या है एक नेचर नामक मैगजीन में ये बात छपी है साथ ही जो साइंस में रिसर्च कर रहे हैं उन्हें पता होगा कि जो नेचर है ना नेचर नामक जनरल जो है वो साइंस के सबसे प्रतिष्ठित जनरल से शामिल है नेचर के नाम से आता है और इसमें आई हुई खबरें कई बार नोबल के लिए चुनी जाती हैं तो ये बहुत बड़ी न्यूज है जो मैंने आपको पढ़ाई है भले ही आपको ये न्यूज पसंद आई हो या ना आई हो लेकिन पढ़ना जरूर साथियों परीक्षा में और कुछ होना हो आपको दुनियादारी समझने में और परीक्षा में बहुत फायदा होने वाला है चलिए साथियों तो हमने आपको थोड़ी सी जानकारी ये सब हमसे नहीं बांचा जाएगा पढ़ लीजिएगा आप चलिए साथियों आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ भाई साहब हमारे राजस्थान ने बहुत ही जबरदस्त काम किया है क्या काम किया है आइए सुनिए मजा आ जाएगा साथियों हाल ही में राजस्थान सरकार के द्वारा अल्टीमेट क्वेश्चन है मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सबके पेपर में आएगा केवल राजस्थान के नहीं सबके आएगा आप सोच के देखो साथियों राजस्थान सरकार ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है और वो ऐतिहासिक निर्णय क्या है कि अब राजस्थान का प्रत्येक परिवार अपने पास में फ्री हेल्थ बीमा रखेगा अच्छा आप में से कईयों को तो पता ही नहीं है ये बीमा होता क्या है मैं आपको आज अच्छा सारी बातें बताऊंगा क्योंकि मुझे आज एक पॉलिसी की मैं दो तीन पॉलिसीज का बहुत ज्यादा मतलब समर्थक रहा हूं उनमें से एक ये है हेल्थ बीमा कारण क्या है वंस अपॉन ए टाइम जब मैं छोटा था तो उस समय एक इंटरव्यू सुन रहा था प्रणब मुखर्जी का और प्रणब मुखर्जी अपने इंटरव्यू में कह रहे थे कि भारत में आधी से ज्यादा जनता कर्ज में इसलिए है क्योंकि उन्हें चिकित्सा में लाभ नहीं मिला ये कभी दिमाग में छपी हुई पुरानी यादें रह गई मेरे और वो यादें मैं मतलब सरकारों को इसी प्रकार से देखता हुआ आया हूं कि वो आधी से ज्यादा जनता और वास्तविकता भी भी है साथियों आज की समय भी जो सबसे बड़ा चैलेंज है ना वो चैलेंज क्या है चिकित्सा है चिकित्सा में हुआ खर्च कभी भी आदमी प्लान करके नहीं रखता हम में से बहुत कम लोग होंगे जो अपने पास से दो लाख रुपए पांच लाख रुपए इसलिए बचा के रखे कि जब बीमार पड़ेंगे तब यूज में आएंगे किसी के घर में भी बीमारी के नाम पर पैसे नहीं होते पैसे खूब होते हैं शादी के नाम पर पढ़ाई के नाम पर गाड़ी के नाम पर मोबाइल के नाम पर लेकिन बीमारी के नाम पर हम पैसे नहीं रखते और जब बीमारी अचानक आती है तो उसकी स्थिति में कोई भी व्यक्ति खुद की जेब से पैसे दे नहीं पाता मतलब आधे से ज्यादा व्यक्ति देश के और वो किसी से कर्ज लेते हैं बस वहीं से कर्जदार बनने की प्रथा शुरू होती है तो ये जहन में कभी छुपा हुआ था लेकिन आज जब मैं ये न्यूज पढ़ा रहा हूं आपको तो बड़ा गर्व हो रहा है किस बात को जानने के लिए गर्व हो रहा है हमारे राजस्थान में अब एक भी परिवार ऐसा नहीं रहेगा जो हॉस्पिटल में एडमिट हो और एडमिट होने के बाद उसे खुद की जेब से पैसा देना पड़े आप पूछेंगे कैसे कहां पर कहां पर इलाज होगा मुफ्त इलाज होने जा रहा है आप सोचेंगे अच्छा सरकारी हॉस्पिटल में तो पहले ही फ्री था अरे जनाब आप सरकारी में एडमिट होइए प्राइवेट में एडमिट होइए। आप अगर बीमार हैं तो आपको कोई भी अपने साथ में पैसा ले जाने की जरूरत नहीं है कितना पांच लाख रुपए तक का जीवि... मतलब आप लोगों का हेल्थ इंश्योरेंस कर रही है कौन राजस्थान सरकार पांच लाख रुपए प्रति परिवार मेरे प्यारे साथियों प्रति परिवार पांच लाख रुपए हेल्थ बीमा दे रही है राजस्थान सरकार मतलब क्या हुआ पांच लाख तक का इलाज अगर आपका होता है तो इसमें आपको जेब से एक भी पैसा नहीं देना पड़ेगा राजस्थान सरकार चुकाएगी फिर चाहे आप प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करवाएं चाहे सरकारी में है जबरदस्त न्यूज मेरे प्यारे साथियों और इस योजना का नाम रखा गया है मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना क्या नाम रखा गया है मेरे प्यारे साथियों इस योजना का नाम रखा गया है मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना राजस्थान देश का वो पहला राज्य बन गया है जिसमें मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना लॉन्च की गई है यह भारतवर्ष के बहुत सारे अखबारों ने भी कवर किया है इंडियन एक्सप्रेस ने भी इसको कवर किया हालांकि यह घटना साथियों एक अप्रैल को हो चुकी है और हमको तो रोजाना यह अखबार में दिखाई देती है पर मैं इस न्यूज को आपके पास लाने से पहले तक रुका हुआ था कि ठीक है कि आप तक थोड़ा समय निकाल करके लेके जाएंगे इस खबर को क्योंकि अभी इसको नेशनल लेवल पर उठने दीजिए लोगों को पता चलने दीजिए आज अखबारों ने नेशनल मीडिया ने भी कवर किया तो हम आपके सामने लेकर के आ गए हैं इसमें राजस्थान बिकम्स फर्स्ट स्टेट टू प्रोवाइड हेल्थ इंश्योरेंस फॉर ऑल देश का पहला राज्य ऐसा बन गया है जिसमें कोई भी व्यक्ति एडमिट अगर होता है तो मेरे प्यारे साथियों वो पहला कंट्री कंट्री के अंदर पहला राज्य ऐसा बन गया है जिसमें उसको क्या मिलेगा लाख रुपए तक का हेल्थ कवरेज मिलेगा है मजेदार बात अच्छा इस योजना का नाम क्या है मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना मेरे प्यारे साथियों इसका नाम क्या है मुख्यमंत्री अब आपको पूरा इतिहास में इसका बताऊंगा इसलिए कृपया करके आप इसके नोट्स लिखते चलिएगा चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना स्वास्थ्य बीमा योजना ठीक है जरूरी जानकारियां जो विशेष रूप से बच्चे मतलब एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं पहला राज्य बन गया है यह सारी बातें मैंने आप लोगों को बता दी कुछ तथ्य मैं आप लोगों को यहां पर अब लिखवा रहा हूं कृपया करके आप लिखते चलें पहला पॉइंट है साथियों मुख्यमंत्री चरणजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना अब आप जानना चाहेंगे कि सर इस बीमा योजना में शब्द बीमा है इंश्योरेंस है सर ये, बीमा है। अब जब बीमा है तो एक बात बताइए बीमा के अंदर तो कुछ प्रीमियम देना होता है बहुत सही सोच रहे हैं आप मेरे प्यारे साथियों अब थोड़ा ध्यान से सुन लीजिएगा कितनी इंपॉर्टेंट बात है आपको पहले तो मैं विशेषताएं बता देता हूं राजस्थान का प्रत्येक परिवार प्रत्येक परिवार कहना अब आप कहेंगे सर आप राजस्थान की न्यूज पढ़ा रहे हैं सर पढ़िए ये पूरे देश के लिए एक मिसाल बनेगी और हर राज्य ऐसा करे वो बहुत जरूरी है मेरे प्यारे साथियों प्रत्येक परिवार प्रत्येक परिवार को पांच लाख रुपए प्रति वर्ष का बीमा कवरेज प्रति वर्ष ठीक है सर एक साल में आप पांच लाख खर्च कर दीजिए अगले साल अगर फिर बीमार पड़ गए भगवान ना करे लेकिन उस समय फिर आपको पांच लाख रुपए मिल जाएंगे ठीक है सर यदि अच्छा पैसा कितना देना होगा पैसा देना होगा सर सोलह सो चौसठ रुपए प्रतिवर्ष अब आप कहेंगे ओहो आ गई ना बात पकड़ में आपने पहले ही कहा था सब फ्री है सब फ्री है कहां है प्रतिवर्ष ये लीजिए सर सोलह सो चौसठ रुपए प्रतिवर्ष देने पड़ रहे हैं फिर काये का बीमा सर पैसा देना पड़ गया ना सोलह सो तो दे ही दिए ना सर आपके राजस्थान में सात करोड़ के आसपास आबादी हो जाने वाली है सबकी सब अगर एक करोड़ भी लोग अगर बीमा लेंगे लगा दी खटाखट खटाखट सारी कैलकुलेशन लगा दी सर है लेकिन जैसे ही हमने सारी कैलकुलेशन लगाई अरे यार फिर बफर बफर आना शुरू हो गया है यार गुरु अपने पास से सब बढ़िया है यार बफर बफर की अपने पास झंझट नहीं है सही चल रहा है हाँ भाई अच्छा तो फिर सवाल क्या है मेरे प्यारे साथियों ध्यान से सुनिएगा बोले फिर तो आ गई ना सर सोलह सो आ गया सर सोलह सो आ तो गया मैंने कहा रुक जाओ भाई इतना भी परेशान मत हो ये सोलह सो सबको नहीं देने तो बोले तो किसको देने मैंने कहा किसी को भी नहीं देने तो बोले फिर मैंने कहा बेटा ये सरकार देगी लोड मत लो प्रति परिवार के हिसाब से सरकार पे करेगी तब जाकर के आपका इंश्योरेंस होगा आ गई गजब बात समझ में आपको पे नहीं करना है ये प्रीमियम है जो आपके बिहाफ पर सरकार पे करेगी अच्छा सर सबको फ्री है मैंने कहा नहीं थोड़ा सा प्रोविजन और सुन लो मेरे प्यारे साथियों यदि कोई व्यक्ति ध्यान से सुनना इस बात को थोड़ा महत्व देना यदि कोई भी व्यक्ति नेशनल फूड सिक्योरिटी के अंदर कवर होता है किसमें नेशनल फूड सिक्योरिटी के अंदर कवर है या फिर जो हमारा 2011 का सेंसस हुआ था सेंसस मतलब जनगणना हुई थी उसे हम कहते हैं सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, क्या कहते हैं सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, उन दोनों में जिसका नाम है या किसी एक में जिसका नाम है दोबारा से सुन लीजिएगा नेशनल फूड सिक्योरिटी और सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस जिसमें दोनों का जिसमें से किसी में भी किसी व्यक्ति का नाम लिखा हुआ है उसके लिए तो है ये टोटल फ्री टोटल फ्री मतलब फिर आपने कहा फिर तो सर ये गरीबों वाली योजना हो गई फिर तो आयुष्मान भारत ही कर लेते जो प्रधानमंत्री जय स्कीम है वही ले लेते ना सर उसमें क्या दिक्कत है प्रधानमंत्री जय जिसको हम लोग लिखते हैं आयुष्मान भारत सर उसको आप लोग आयुष्मान भारत के नाम से पढ़ते हैं ना मैंने कहा हाँ बिल्कुल पढ़ते हैं ये जय का मतलब क्या है जन आरोग्य योजना जन आरोग्य योजना प्रधानमंत्री के द्वारा जो दी गई है सर फिर तो ये वही वाली बात हो गई मैंने कहा अरे रुक जाओ यार यहां तक तो ये वही वाली बात हो गई बात सही है आपकी भी लेकिन अब यहां से आगे की बात सुन लो और वो क्या है जो बाकी परिवार रह गए जैसे मैं राजस्थान में रह रहा हूं मेरा स्टाफ जो राजस्थान में रह रहा है मेरे घर के जो काम करने वाले लोग स्टाफ में रह रहे हैं वो सबकी सब इसमें कवर हो जाएंगे कितना रुपया देना पड़ेगा आठ सो पचास रुपये सालाना अब बोलो आप मेरे प्यारे साथियों इस 850 में से अर्थात ये जो सोलह रुपए है ना इस सोलह में से फिफ्टी परसेंट होता है आठ सौ बत्तीस रुपए उस आठ सौ बत्तीस की जगह कितने रुपए ले रहे हैं ये लोग आठ सौ पचास रुपए यानी कि पचास प्रतिशत यानी आठ सौ पचास रुपए आप एक साल में दीजिए और पांच लाख रुपए का बीमा प्राप्त करिए क्या आपको यह बात अब समझ में आई प्रति परिवार पांच लाख रुपए बीमा का मीनिंग समझ में आया फिर आप पूछेंगे कि सर एक बात बताइए हमको क्या लेके जाना होगा क्या ही आप में से ऐसे भी होंगे मेरे प्यारे साथियों हाँ अरे यार फिर से आप सही कह रहे हैं कुछ बच्चे कह रहे हैं सर बीजेपी को बुरा लग रहा होगा इसलिए बफर हो रहा है यार गुरु पता है मैं एक चीज बताऊं आप लोगों को आप मेरी इंटरनेट स्पीड चेक करिए यह वाकई में एक बहुत बड़ा इशू है जब जब मैंने कोई ऐसा टाइटल पढ़ाया है मेरा सेशन बफर करने लग जाता है ये गजबी चीज है यार मैं जब जब मतलब आप चेक करिए मैं देखिए आपके सामने आज प्रमाण देके दिखा रहा हूं अगर आपको कुछ दिख रहा हो ये मेरी इंटरनेट स्पीड देखिए अब आप है ना मेरा सेशन तब तब बफर करता है इतनी अच्छी स्पीड आपको दिखेगी नहीं ये देखिए आप मतलब जो इंटरनेट स्पीड है वो तुलनात्मक रूप से बहुत ज्यादा फास्ट है मतलब यूट्यूब का सेशन पांच एमबीपीएस पे चल जाता है मेरा छत्तीस एमबीपीएस स्पीड आ रही है क्या करें गजब है यार हम कर भी क्या सकते हैं जब जब मैंने कोई ऐसा इशू लिया है मेरा सेशन बफर किया है ये समझ से परे है भाई हम ये तो लॉजिक समझना पड़ेगा यार क्या करें चलें आगे ठीक है आइए साथियों तो उम्मीद है आपको यह वाली बात समझ में आ गई होगी तो कितनी बात समझ में आई यह क्लियर हो गया अब एक बात बहुत इंटरेस्टिंग रूप से समझिए बोले सर एक बात बताइए गरीब आदमी अपने साथ लेके क्या जाएगा मान लीजिएगा अगर वही व्यक्ति आदि मान लीजिए सर आप ही हैं आप अगर हॉस्पिटल में जाते हैं तो आप अपने साथ क्या लेके जाएंगे कि साहब मुझे इलाज दे दो मतलब कैसे आपके पास कुछ कोई आईडी कार्ड होगा कि मैं केवल राजस्थान का रहने वाला हूं इससे काम चल जाएगा बहुत ही प्यारा सवाल है ध्यान से सुनिएगा साथियों इसके लिए क्या किया गया है वो समझ लीजिएगा मेरे प्यारे साथियों यदि आप भी किसी राजस्थानी को जानते हैं आप खुद राजस्थान से हैं तो इस बात को आप जान करके चलिएगा क्या है मेरे प्यारे साथियों नंबर वन आपके लिए जरूरी है आप अपने साथ आधार कार्ड रखें क्या रखें आधार कार्ड रखें नंबर एक अगर आधार कार्ड नहीं है तो राजस्थान में साथियों एक फ्लैगशिप योजना चल रही है और उसका नाम है जन आधार योजना अब आप पूछेंगे ये क्या है ये अल्टीमेट चीज है कृपया करके इसे भी नोट कर लें ये बहुत इंपॉर्टेंट है सभी चाहे आप पूरे देश भर में से किसी भी राज्य से पढ़ रहे हो याद कर लें साथियों आधार कार्ड के अंदर हम लोग नंबर कितने अंक का लिखा हुआ देखते हैं ट्वेल्व डिजिट का नंबर देखते हैं क्या देखते हैं ट्वेल्व डिजिट नंबर देखते हैं यू आई डी ए आई यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया जाता है यू आई डी ए आई के द्वारा जारी किया जाता है राजस्थान में साथियों आधार कार्ड योजना चल रही है जन आधार के नाम से किससे चल रही है बोले सर आधार कार्ड को योजना क्यों कह रहे हो आप लोग ध्यान से सुनना साथियों साथियों जब गहलोत सरकार का एक साल पूरा हुआ था उस दिन तारीख थी 18 दिसंबर 2019 उस समय भाजपा सरकार के समय पर यानी वसुंधरा सरकार जब यहां थी वसुंधरा सरकार का एक अल्टीमेट काम था साथियों वो भी मैं आपको बताता हूं और वो था भामाशाह कार्ड एक कार्ड था अगर आपको नहीं पता है तो मैं वो भी बता देता हूं ये भी बहुत अल्टीमेट चीज थी मेरे प्यारे साथियों ये क्या था साथियों एक भामाशाह कार्ड नाम से राजस्थान में योजना चला करती थी उस भामाशाह कार्ड में क्या होता था कि किसी भी व्यक्ति को मान लीजिए कि एक परिवार है उस परिवार की महिला मुखिया है महिला मुखिया अब आप पूछेंगे कि सर यहां पर किसको रजिस्टर किया गया है इधर देखो मैं आपको बताता हूं साथियों यहां पर मैंने आपसे क्या कहा दो चीजें आपको समझनी थी प्रत्येक परिवार को पांच लाख रुपए प्रतिवर्ष देने की बात है इसका मतलब प्रत्येक परिवार यहां पर इंपॉर्टेंट शब्द है यानी कि परिवार को नोटिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है इसका मतलब यह हुआ कि परिवार को ध्यान में रखते हुए आधार कार्ड की तर्ज पर एक कार्ड और बनाया गया था जिसे भामाशाह कार्ड कहते हैं परिवार के लिए बनाया गया था वो आधार कार्ड तो होता है कितने नंबर का बारह नंबर का भामाशाह कार्ड बनाया गया था दस नंबर का उसी भामाशाह कार्ड का नाम बदल के अठारह दिया गया क्या कर दिया गया जन आधार योजना कर दिया गया कब से आई हाँ मेरे प्यारे साथियों ये स्कीम 18 दिसंबर 2019 से राजस्थान सरकार के द्वारा चलाई जा रही फ्लैगशिप योजनाओं में से है यह राजस्थान सरकार के द्वारा चलाई जा रही फ्लैगशिप योजनाएं जो कि राजस्थान में उन्नीस हैं उनमें से एक है इसके तहत होता क्या है मेरे प्यारे साथियों इसके तहत प्रत्येक परिवार को ध्यान से सुनिएगा इसके तहत प्रत्येक परिवार को एक भाई साहब कितना भी बफर हो ले मैं तो बोलता रहूंगा जो भी हो जाए मैं तो बोलता रहूंगा यार कारण क्या खूब बफर हो रहा है मुझे भी पता है पर मैं करूं क्या आप बता दो मेरे हाथ में क्या है मैं तो बोलता रहूंगा जब तक ये स्ट्रीम ऑफ अपने आप नहीं हो जाएगी तब तक मैं बोलूंगा दिक्कत आए आप भोगत लेना मैं पढ़ाता हुआ नहीं रुकूंगा यार हाँ भाई तो मुद्दा क्या है अब ज्यादा से ज्यादा बफर ही तो आएगा कर लो बंद ही तो करोगे कर दो हाँ भाई ध्यान से सुन लो तो मैं क्या कह रहा हूं आप लोगों से कि यहां पर अट्ठारह दिसंबर दो को ऐसा हुआ था कि यहां पर प्रत्येक परिवार को एक दस कार्ड का कार्ड दिया गया दस अंक का कार्ड दिया गया और उसको बनाया किसके नाम पर गया महिला मुखिया के नाम पर महिला मुखिया यानी घर की सबसे बड़ी महिला के नाम पर सर घर के अंदर सबसे बड़ी महिला अगर कोई है ही नहीं बुजुर्ग कोई महिला ही नहीं है कोई बात नहीं अट्ठारह साल से ऊपर की कोई और महिला तो होगी अगर सबसे बड़ी उम्र में महिला नहीं है कम उम्र की महिलाएं हैं तो कोई बात नहीं 18 साल से ऊपर की अगर कोई भी उम्र की महिला है उसको बोले सर वो भी नहीं है तो फिर इक्कीस साल से ऊपर के पुरुष को घर का मुखिया बनाया गया बोले सर दोनों ही नहीं है तो फिर किसी सगे संबंधी को परिवार का मुखिया बनाया गया और इस मुखिया को बना करके पता है क्या किया गया राजस्थान की जितनी भी योजनाएं हैं चाहे आप राशन कार्ड लेने, राशन प्राप्त करने चले जाएं मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना लेने चले जाएं मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना लेने चले जाएं मनरेगा में मजदूरी प्राप्त करने चले जाए नेशनल फूड सिक्योरिटी के तहत एक रुपए किलो गेहूं लेने चले जाए आप कुछ भी स्कीम का फायदा उठाने लेने जाए आपके पास यदि यह कार्ड है कौन सा जन आधार कार्ड तो आपको वो सारी योजनाएं मुफ्त में उपलब्ध हो जाएंगी है गजब बात तो मेरे प्यारे साथियों ध्यान से सुन लीजिएगा ये था मुख्यमंत्री जन आधार कार्ड ये मैंने आपको दिखा दिया जिनका मुख्य शब्द है कोटेशन है कई बार ये पूछ लिया जाएगा एक नंबर एक कार्ड एक पहचान ये इसकी टैगलाइन है क्या टैगलाइन है एक नंबर कितने नंबर का है दस नंबर का है एक कार्ड है ये और एक पहचान है आपकी जिसमें राजस्थान की कोई भी स्कीम का आप लाभ लीजिए केवल इस कार्ड से फिर आप पूछेंगे सर ये कार्ड बनता कहां है मेरे प्यारे साथियों आप खुद भी इस कार्ड को ऑनलाइन बना सकते हैं या फिर ई मित्र से जाकर बना सकते हैं अब आप पूछेंगे ई मित्र क्या है मेरे प्यारे साथियों राजस्थान सरकार के द्वारा राजस्थान के भीतर ऑनलाइन सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए छोटे छोटे कियोस्क खोले गए जहां पर 108 से अधिक प्रकार की सेवाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं उसे ई ई मित्र मित्र कहते हैं उन पर जाइए आपको सारी चीजें के वो व्यक्ति दे देगा महज मामूली से शुल्क ऊपर ये दुकानें हैं जिससे लोगों को रोजगार मिला हुआ है तो मेरे प्यारे साथियों ये ऑनलाइन बातें समझ में आ गई एक नंबर एक कार्ड एक पहचान समझ में आ गई जन आधार कार्ड से ये बात हुई अब मैं आखिरी बात बता करके फिर अगले सवाल पर चलूंगा तक तब तक बफर खत्म हो जाएगा लोड मतलब तब तक बफर खत्म हो जाएगा फिर भी मैं इस बात को बताऊंगा मेरे प्यारे साथियों बात यह है कि यहां पर यह योजना लागू किस दिन से हो रही है लिख लीजिएगा मेरे प्यारे साथियों एक मई 2021 से यह योजना लागू होगी कब से लागू होगी एक मई 2021 से एक मई 2021 को क्या है तो मेरे प्यारे साथियों उस दिन मजदूर दिवस है क्या है मजदूर दिवस है उस दिन यह योजना लागू होगी क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है और इस योजना में नामांकन एक अप्रैल से शुरू हो चुका है यदि आप भी इस सुविधा का लाभ लेना चाहते हैं तो एक अप्रैल से इस सुविधा का लाभ लेने के लिए आप जा सकते हैं तो एक अप्रैल से इसके अंदर रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है एक अप्रैल 2021 से इसका रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है और तो और साथियों राजस्थान सरकार के द्वारा एक अप्रैल से दस अप्रैल के बीच में गांवों के अंदर कैंप लगाए जा रहे हैं ताकि जन आधार कार्ड बनाए जा सके जिनके पास जन आधार कार्ड होगा वो आसानी से इस सुविधा का लाभ ले सकेंगे इस बीमारी की सुविधा के अंदर जो है मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के अंदर अपने आप को रजिस्टर कर सकेंगे हाँ भाई उम्मीद है भाई करना था जो मैंने कर दिया कोई बात नहीं अटक रहा है तो अटकने दो मैं क्या कर सकता हूं आप मुझे वो बता दो मैंने आपको पूरी योजना पढ़ा दी जबरदस्त योजना है गहलोत सरकार का मास्टर स्ट्रोक है इससे पहले वसुंधरा सरकार के द्वारा जो योजनाएं की गई थी उनमें दो अल्टीमेट काम थे फ्लैगशिप योजनाओं में से एक अल्टीमेट काम था भामाशाह कार्ड का बनवाया जाना और एक था मेरे प्यारे साथियों जल स्वावलंबन योजना कभी वापस हम आपको समय समय डिटेल में बताएंगे उस समय जो कार्ड है वही कार्ड कार्ड आज जन आधार है तो सरकारें काम अच्छी करें तो उनका काम की तारीफ करने में भी आनंद आता है साथियों ठीक है ना उम्मीद है आप लोगों ने ये सारी बातें सीख ली होंगी चिरंजीवी आपने योजना सुन ली है ये सारी डिटेल में मैंने जानकारी आपको राजस्थान के संबंध में दे दी क्या किया जाए आप मुझे इंस्ट्रक्शंस दे दीजिए क्योंकि इस बफर ने पूरी क्लास की हालत खराब कर दी है साहब क्योंकि मुझे भी दिख रहा है अब क्या कर सकता हूं मैं चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं अगला सवाल क्या है देख लीजिएगा मेरे प्यारे साथियों रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने हाल ही में मेरे प्यारे साथियों एक दिन को स्पीड की हालत खराब है यार अगला सवाल आएगा शायद तब तक सही हो जाएगा ईश्वर ने चाहा तो हम्म क्लास क्यों बफर कर रही है यार क्या बोलता तो चलता हूं चीजें अटकती हैं तो अटकने दीजिए चीज यह है साथियों कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किसकी जयंती के ऊपर राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने का निर्णय लिया है तो मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे साथियों कि हाल ही में सरकार के द्वारा अवकाश घोषित करकर जी का जो जन्म दिवस है इस समय पर क्या करने का निर्णय लिया है एक पब्लिक हॉलीडे बनाने का निर्णय लिया है और पब्लिक हॉलीडे के लिए मैं आपको बता दूं साथियों यार स्पीड देखो आप अस्सी एमबीपीएस की तो डाउनलोड स्पीड है क्या करें यार है कोई नहीं चलने देते हैं क्या दिक्कत है हां जी तो मेरे प्यारे साथियों बी आर अंबेडकर जी की जयंती को हाल ही में 14 अप्रैल को बनाने का निर्णय लिया है डिक्लेयर ऑफ हॉलीडे बी आर अंबेडकर जी को तो मेरे प्यारे साथियों यहां रखी, एक पब्लिक हॉलीडे आपको, आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा इन दोनों में अंतर होता है मैं दोनों बातें समझाऊंगा राष्ट्रीय अवकाश नहीं पब्लिक हॉलीडे इन सार्वजनिक अवकाश इसकी हिंदी होती है सार्वजनिक अवकाश है ना दोनों में अंतर है थोड़ा सा ये टीम शायद समझ नहीं पाई इसलिए उन्होंने लिख दिया कोई बात नहीं आपको मैं बताता जा रहा हूं साथियों पब्लिक हॉलीडे बनाने का निर्णय लिया गया है राष्ट्रीय अवकाश की जगह पर सार्वजनिक अवकाश बनाने का निर्णय लिया गया बी आर अंबेडकर जी की जयंती पर कब आती है ये चौदह अप्रैल को आती है साथियों कब आती है चौदह अप्रैल को आती है फिर आप पूछेंगे कि कैसे अवकाश घोषित किया जाता है तो मेरे प्यारे साथियों भारत के अंदर एक एक्ट है जिसका नाम है नेगोसिएशन इंस्ट्रूमेंट एक्ट इंस्ट्रूमेंट एक्ट नेगोशिएशन इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 उस नेगोशिएशन इसके अंतर्गत मेरे प्यारे साथियों जो सेक्शन नंबर 25 है सेक्शन नंबर 25 के तहत मेरे प्यारे साथियों किसी भी दिवस को पब्लिक हॉलिडे डिक्लेयर किया जाता है फिर सवाल बनता है बेटा मैं क्या है कि अब इस समय में नहीं हूं कोई बात नहीं चलने दीजिए जैसा भी चल रहा है मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा पढ़ते रहिए साथियों फिर सवाल बनता है कि सर पब्लिक हॉलीडे डिक्लेयर कर दिया जाता है इन दोनों में अंतर क्या होता है नेशनल हॉलीडे और पब्लिक हॉलीडे में अंतर क्या होता है तो मेरे प्यारे साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा नेशनल हॉलीडे और पब्लिक हॉलीडे में अंतर यह है कि पब्लिक हॉलीडे के समय पर किसी भी प्राइवेट संस्था का बंद होना जरूरी नहीं है लेकिन जब नेशनल हॉलीडे डिक्लेयर किया जाता है तो प्राइवेट और सरकारी सभी संस्थाएं बंद होती हैं भारत में तीन ऐसे दिन हैं जो कि और गांधी जयंती ये क्या है ये है नेशनल हॉलीडे पब्लिक हॉलीडे क्या है पब्लिक हॉलीडे हैं जैसे दिवाली ईद क्रिसमस अब बी आर अंबेडकर जयंती ये सारे वो दिन है मकर संक्रांति बता दे रहा हूं इस पॉइंट को समझ लीजिएगा दो प्रकार के हॉलीडे होते हैं इंडिया में एक का नाम है नेशनल नेशनल हॉलीडे तीन ही है तीन है कौन कौन से हैं पंद्रह अगस्त पंद्रह अगस्त छब्बीस जनवरी और दो अक्टूबर ये तीन ही हैं अच्छा पब्लिक हॉलीडे कौन कौन से हैं बहुत सारे जो भी तीज त्योहार आप देखते हैं जैसे दिवाली देखते हैं दीपावली जिसको आप कहते हैं ना दीपावली हो गया होली हो गया संक्रांति हो गया ईद हो गया ये सारे के सारे मेरे प्यारे साथियों क्या हैं ये सारे के सारे पब्लिक हॉलीडे हैं क्लियर तो इसे क्या डिक्लेयर किया गया है इसे हाल ही में पब्लिक हॉलीडे डिक्लेयर किया गया बी आर अंबेडकर जी की जयंती को बी आर जी को क्या कहा गया है अब ध्यान से सुन लीजिएगा एक एक करके सारी बातें बता देता हूं बी आर अंबेडकर जी का जन्म चौदह अप्रैल अठारह को हुआ था इसी कारण से 14 अप्रैल को मेरे प्यारे साथियों बी आर अंबेडकर जयंती को अब नेशनल हॉलीडे मनाया जाएगा इसी बार से मनाने का निर्णय लिया गया है मेरे प्यारे साथियों कुछ जरूरी जानकारियां आपको अंबेडकर जी के बारे में मैं इस क्लास से दे देता हूं और वो क्या है अंबेडकर जी का जन्म चौदह अप्रैल को हुआ चौदह अप्रैल अठारह में हुआ इनका बर्थ प्लेस मध्य प्रदेश के अंदर महू नामक स्थान है वहां पर है इनके पेरेंट्स का नाम था रामाजी सकपाल और भीमाबाई इनकी स्कूलिंग गवर्नमेंट हाई स्कूल सतारा से हुई थी और साथ में इनकी शादी जो है साथियों वो चौदह साल की उम्र में जब ये पांचवी क्लास में पढ़ते थे तो उनसे हुई और किनका नाम क्या था रामाबाई से इनकी शादी हुई थी इनकी दो शादियां हुई थी पहली शादी इनकी रामाबाई से दूसरी शादी इनकी सविताबाई से हुई थी एडवांस स्टडीज करने के लिए ये यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया चले गए जहां से इन्होंने एम किया उसके बाद में ये ग्रे इन कॉलेज से चले गए जहां पर इन्होंने बार की डिग्री प्राप्त करी इसके बाद लंदन स्कूल ऑफ पॉलिटिक ये जो स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स है पॉलिटिकल साइंस है यहां से फिर इन्होंने एमएससी इकोनॉमिक्स किया ये इनकी कुछ बातें हैं जो मेरा नाम था मेरे प्यारे साथियों दूसरी थी सविताबाई अंबेडकर जो कि बाद बाद में में यानी पहली पत्नी पत्नी के के देहांत होने के बाद में दूसरी पत्नी थी अंबेडकर जी खुद अपने माता पिता की चौदहवीं संतान थे और मेरे प्यारे साथियों इनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में क्या मनाया जा रहा है इस बार नेशनल हॉलीडे मनाया जा रहा है क्लियर है इसके साथ साथ भाई मैं क्लास रोकूंगा यार मजा नहीं आ रहा है पढ़ाने में यार बफर का इलाज है नहीं सॉरी दोस्तों समय मिला तो मैं फिर कवर कर दूंगा अभी तो मेरी नेक्स्ट क्लास आगे भी है ठीक है